भाई कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी लॉस सैंटोस में, इस वजह से लावा गॉड बहुत बुरी तरह से भीग गया था। इसलिए अब मैं लावा गॉड की अच्छे से सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं लावा गॉड को पानी से बहुत सख्त एलर्जी है। फ्रैंकलिन ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से सफाई कर, मुझे ठंड लग रही है। गाइस यहाँ पर एक बार मैंने लावा गॉड की सफाई कर दी, भाई वो मुझे अच्छे कहाँ से पैसे देगा या फिर गिफ्ट देगा। आप सभी सोच रहे होंगे भाई लावा गॉड इतना बड़ा कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। लावा गॉड के मुंह के अंदर ना जो लिटरली में बहुत खतरनाक हेड है, उसके अंदर एक एलिमेंटल एग रखा है जी, ये रहा, इसी एग की वजह से ये इतना ज्यादा बड़ा है। आज मैं किसी भी हालत में यहाँ से क्यों जाऊंगा। अरे बाप रे, ये कौन है? ओ माय गॉड, ये तो एक सूखा सा बहुत ही बुरी हालत का हल्क है भाई, और वो ऊपर से गिरना क्यों चाहता है? वो तो मर जाएगा, मुझे जाके उसको रोकना पड़ेगा। हेलो भाई, आज मैं नहीं रुक सकता, आज मुझे क्यों नहीं होगा, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। अरे भाई क्या कर रहा है, रुक। अरे बाप रे, ओ माय गॉड गाइस, लास्ट टाइम पे मैंने इसको पकड़ लिया। नहीं छोड़ मुझे, क्या कर रहा है मूर्ख फ्रैंकलिन, मेरे को जाने दे। अरे भाई तू मर जाएगा वहां जाके, प्लीज क्यों कर रहा है? अरे छोड़ मुझे, नहीं छोड़, ये तेरे पीछे अंडे क्या है भाई? इसको समझ नहीं आ रही, तो कुछ लावा गॉड टाइप के अंडे। अरे निकल यहाँ से। मैंने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं माना। एक मिनट दोस्तों, अरे नहीं ये क्या हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। एक मिनट दोस्तों, ये लावा गॉड इतनी जोर जोर से चीख क्यों रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर छुपकर देखना पड़ेगा। एक मिनट भाई साहब, वो जो हल्क मेज बैंक से गिरा था वो लावा गॉड के हेड के अंदर जाने के लिए गिरा था। अरे वाह, मुझे आखिरी अंडा भी मिल गया, ये चारों एलिमेंटल एग मिलके मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एलिमेंटल गॉड बना देंगे। नहीं, मेरा एलिमेंटल एग किसने छीन लिया? गाइस ये क्या, किसी की हिम्मत तक नहीं होती है लावा गॉड के बारे में कुछ गलत सोचने की, और भाई इसने उसका एलिमेंटल एग छीन लिया और यहाँ पर ये सारे एलिमेंटल एग को फोड़ कर ये क्या बन गया, 1 2 3 4, ये तो 4 हेडेड ऑल फादर एलिमेंटल गॉड बन गया। अरे वाह, मैंने तो कमाल कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं किससे गुलामी करवाऊंगा। खैर गाइस अच्छा ही हुआ उस लावा गॉड के साथ, फालतू में गुलामी करता था और पैसे भी नहीं देता था मेरे को। खैर मैं यहाँ पर काम करता हूँ। हेलो भाई, ओ भाई सूखे से हल्क। अबे मैं सूखा सा हल्क नहीं रहा, मैं यहाँ पे एलिमेंटल गॉड हूँ, प्लीज मेरे को भी बता दे तूने ये सब कैसे किया। पहले वीडियो लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करा, फिर तभी बताऊंगा कैसे एलिमेंटल एग लेते हैं। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी, मेरे प्यारे दोस्त कर देंगे यार, तू जल्दी बता ना। अच्छा ठीक है, मैं तुझे वहां फेंक रहा हूँ जहाँ तुझे एलिमेंटल एग मिलेंगे। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? अरे कोई बचा मुझे, अरे भाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा था मुझे वहां फेंकेगा। हाँ तो गाइस मैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस पे अटैक करना। ओ माय गॉड, यहाँ पर अवेंजर्स की आवाज भी आ रही है और साथ साथ में गॉडफादर टाइटन का एक सूट भी दिखा है। हल्क इसका एलिमेंटल एग लेके रहेगा। ओ डूड क्यों, सम सबसे ज्यादा एलिमेंटल एग मिलूंगा। मेरे को तो 4 एलिमेंटल एग चाहिए, मैं 4 एलिमेंटल गॉड बनूंगा। ओ माय गॉड, तो ये सभी मिलकर यहां पर गॉडफादर टाइटन का एग लेना है जो कि उसके हेड के ऊपर रखा है। गाइस गॉडफादर टाइटन तो बहुत ही खतरनाक है, इसका एलिमेंटल एग चुराना बच्चों खेल नहीं है। सबसे पहले मैं जाऊंगा, ठीक है? नहीं, हल्क जाएगा सबसे पहले। ओ डूड क्यों, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा तो इसे सबसे पहले, मैं जाऊंगा सबसे पहले। गाइस इससे पहले इनमें से कोई जाए, मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं ही चला जाऊं, मजा आएगा। एक मिनट फ्रैंकलिन, अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर गॉडफादर टाइटन का एग लेने आया हूँ। क्या कर रहा है मूर्ख इंसान, मेरे ऊपर चल रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? रुक, तुझे अभी बर्फ में जमाता हूँ। क्या कर रहा है? अरे बाप रे टोनी, टोनी बचा मेरे को, ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे बाप रे को इसको देखो, फ्रैंकलिन की हालत क्या हो गई, ये यही डिजर्व करता है। अरे क्या हो रहा है ये, तुम इंसान मेरे पास क्या कर रहे हो? एक मिनट, तू हंस क्यों रहा है? क्योंकि मैंने देखा फ्रैंकलिन कैसे जमा पड़ा है, यही होना चाहिए, बड़ा यहाँ पर एलिमेंटल एग लेने वाला, काफी मजा आ गया है। ये क्या हो रहा है? अब मैं तुझे रुक हवा में बुलाता हूँ, उसके बाद तुझे जान से मारूंगा। अरे बाप रे ये क्या कर रहा है तू? ओ माय गॉड, यहाँ पर गॉडफादर टाइटन ने पहले टोनी स्टार्क को ऊपर हवा में उठाया, उसके बाद इतनी खतरनाक लेजर मारी। अरे नहीं, मेरी बैंड बजा दी। अरे बाप रे, काफी ही मजा आ गया, आ जाओ, और किस किस में दम है मुझसे लड़ने का? आ जाओ लड़के, देगा तेरे को आगरा का डाबरा करके ग्रीन पॉइजन डाल दूंगा। क्या गाइस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज पागल हो गया है क्या? इतने बड़े गॉड को ग्रीन पॉइजन से कैसे हरा सकता है? अरे मेरा इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा तो ये ले, मैं इसको और बढ़ा दूंगा। अरे बाप रे, इसने इसके दोनों पैरों पे, अरे नहीं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे नशा सा हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दुनिया घूम रही है। ओ माय गॉड गाइस, देखिए गॉडफादर टाइटन को, वो लिटरली में नशे में हो गया है उस ग्रीन पॉइजन की वजह से, और यहाँ पर देखिए कैसे उड़ रहा है। अरे बहुत बढ़िया, यही समय है यहाँ पर इससे एलिमेंटल एग छीनने का। मुझसे मेरा एलिमेंटल एग कोई नहीं छीन पाएगा, वरना जो भी आएगा मर कर जाएगा। हल्क छीनेगा, मैं छीनूंगा, रुक तुझे बताता हूँ। अरे बाप रे, मेरा कोई बना दिया टीटी मानू, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? डाबरे के डाबरे, टीटी मानू पापड़े, बताओ मेरे को। गाइस देखिए गॉडफादर टाइटन ने इस बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ही घुमा डाला भाई साहब। हल्क आएगा और हल्क पत्थर मार के
गॉडफादर टाइटन का एलिमेंटल एग चुराएगा, हल्क दुनिया का सबसे ज्यादा एलिमेंटल गॉड बन जाएगा। कॉइज यहाँ पर अब हल्क इस पर अटैक कर रहा है। रुक जा मूर्ख हल्क, तुझे अभी बताता हूँ, तू क्या समझता है मेरे को। गाइस जितने ही लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं यही सही मौका होगा गॉडफादर टाइटन के हेड पर जाने का। चल फ्रैंकलिन भाई, एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। ओ थॉर भाई, तू तो सबसे बड़ा नूब है, सारे एवेंजर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसको हराने के लिए। उठिन किसम, मैं अपनी बिजली से रुक, तुझे अभी आसमान में उड़ाता हूँ और बादलों से फटकवाता हूँ। अच्छा बेटा, हिम्मत तो मेरे को आसमान में पहुंचा कर देगा अपनी बिजली से। अच्छा उठिन किसम, अबे रुक। ओके गाइस, इस बेवकूफ को नहीं पता मैं इसकी बिजली का इस्तेमाल करने वाला हूँ गॉडफादर टाइटन तक पहुंचने के लिए। देखो हमारी बिजली में क्या ही ताकत है। अरे बिल्कुल भाई, मान गया मैं, मान गया तेरे को। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पर थॉर की बिजली का यूज करके गॉडफादर टाइटन में मैं पहुंच तो गया। वो रहा सामने एलिमेंटल एक, मैं भी बस पहुंच ही गया। एक मिनट, टोनी की आवाज कहां से आ रही है? गाइस से पहले कि टोनी यहां पर आ जाए, जॉविस मेरा आयरन मैन का सूट सीधा यहीं लैंड कर दो। अरे बाप रे, रंगलिन तू इधर क्या कर रहा है? चुपचाप निकल यहां से। नहीं भाई, इस एलिमेंटल को मैं लूंगा। निकल, तू होता कौन है इस एलिमेंटल को लेने वाला? गाइस अगर आप चाहते हो एलिमेंटल मुझे ही मिले तो प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखो। अबे रुक जा गाइस, आप ना आयरन मैन ओपी लिखो, इसको तो वैसे भी आज मैं फेंकने वाला हूं। हल्क लेगा एलिमेंटल। अबे ये मोटा हल्क कहां से आ गया? निकलो यहां से, दोनों को पीटूंगा। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, जितने यहां पर ये हल्क और आयरन मैन एक दूसरे से लड़ रहे हैं अंडे को लेकर, क्यों ना इनकी लड़ाई के बीच में मैं ही अंडा लेकर भाग जाऊं। फ्रैंकलिन ऐसा करने का सोचो भी मत। ऑलराइट, अंडा लेके भागते नहीं है, इसको यहीं फोड़ देते हैं। अरे नहीं, मर गया मैं तो। ऑलराइट गाइस, मैंने अंडा तो फोड़ा, मुझे कुछ मिला नहीं। अरे बाप रे, हल्क भी नीचे जा रहा है। हल्क अंडा फोड़ता तो हल्क को जायंट गॉड का सूट मिलता। ओके, यहां पर लॉन्ग नेक वाला अर्थ एलिमेंटल फ्रैंकलिन का सूट मिल गया मुझे। गाइस मैं तो अर्थ एलिमेंटल गॉड बनने वाला हूं और मेरी नेक भी कितनी बड़ी है। ऑलराइट गाइस, जस्ट लुक एट मी, मैं कितना ज्यादा बेटर लग रहा हूं पहले से। अरे हल्क के साथ गलत हुआ, मत हो जा छोड़ो वाले फ्रैंकलिन, तो ना जरे जिंदगी तबाह कर दे। अब मैं सीधा फायर गॉड के पास जाऊंगा, उससे एलिमेंट लग जाऊंगा, उसके बाद दो एलिमेंट लग गए। ओ तो गाइस चलो फायर गॉड के पास चलते हैं और उसके दो एलिमेंट लग चुके हैं। अरे टोनी, तूने उसको क्यों बताया? वो हमारा कंपटीशन बन गया। ओह माय गॉड, ये फायर गॉड ने तो अपने अराउंड पूरा प्रोटेक्शन लगा रखा है भाई फायर से। और क्या, तेरे जैसे बेवकूफों को डायरेक्ट आके अपना अंडा चुराने देगा? तू भी कम नहीं है बेवकूफ से टोनी स्टार्क। खैर गाइस, यहां पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं ना टॉप पे जाऊंगा और जाकर एलिमेंटल एग को चुरा लूंगा। लेकिन यार इसका एलिमेंटल एग होगा कहां पर? इसके हेड के अंदर या फिर इसकी आर्म्स पर या फिर इसके एकदम? ओ भाई साहब, ये देखिए, एक मिनट दोस्तों, एक दो, ओ दो अंडे। अरे फ्रैंकलिन, वो दोनों मेरे हैं, समझा? उन पे नजर भी मत मार लियो। नहीं टोनी स्टार्क, वो मेरे हैं। हल्क के हैं वो दोनों अंडे। हल्क जाके सबसे पहले फायर गॉड को फोड़ेगा। अबे हल्क, कुछ बेवकूफी मत कर दियो। यहाँ क्या हो रहा है? हल्क तू यहाँ क्या कर रहा है? हल्क अब बड़ा हो गया। ओ भाई साहब, हल्क ने जैसे रेज बूस्ट किया, ये कितना बड़ा हो गया पहले से। अरे बाप रे, अब हल्क फायर गॉड को उठाएगा और उठा के जमीन में पटक देगा। ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था भाई हल्क ऐसा भी कर सकता है। अबे मुझे भी नहीं पता था फ्रैंकलिन, ये हल्क तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया। ऐसे में कहीं हमें ना पीटने लगे, मैं तो भाई इससे बच ही रहूंगा। इसने तो फायर गॉड की भी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। अब हल्क जल्दी जाएगा और इसके एलिमेंट जाएगा। नहीं, मेरे साथ ये क्या हुआ है? मैं पूरी दुनिया को आग में भस्म कर दूंगा। अरे बाप रे, फायर गॉड को तो कुछ हुआ ही नहीं, लिटरली मैं हल्क ने उसको क्या? अरे बाप रे, हल्क को छोटा कर दिया मार के। अरे नहीं गाइस, हल्क तो यहाँ पे छोटा हो गया। इंसानों, मरने के लिए शुरू हो जाओ। बहुत हो गया गाइस, अब अपनी अर्थ एलिमेंटल की ताकत का इस्तेमाल करके इस फायर गॉड को धरती में जमा दूंगा। ओए फ्रैंकलिन रुक जा, कहां पर जा रहा है? मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूं, रुक जा। मेरा नाम है स्पाइडरमैन, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। ये ले बेटा, तूने मुझे क्या समझ रखा है? अरे बाप रे, स्पाइडी छोड़ मेरे को भाई, मुझे जाने दे। नहीं जाने दूंगा, ये ले और बुरी तरह से पीटूंगा तुझे। अरे बाप रे गाइस, स्पाइडरमैन तो पीट रहा है मेरे को। हां, अब समझ आ रहा है ना तुझे? अरे बाप रे गाइस, इस स्पाइडरमैन को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहां पर फायर गॉड के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उनको उठा के सीधा इस स्पाइडरमैन पे लगा देता हूं। ऑलराइट गाइस, आसपास के जितने भी पेड़ थे ना, मैंने उनको एक प्रोटेक्शन की तरह लगा दिया। अरे नहीं, मुझे तो शील्ड में बंद कर दिया यार, ओए कोई बचाओ। अब गाइस मैं एक पेड़ का इस्तेमाल करके डायरेक्टली टेलीकिनेसिस से ऊपर पहुंच जाऊंगा फायर गॉड के। देखिए ये एक पेड़ है और यही मुझे अब आसमान में लेकर जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलो आपको एक करके दिखाता हूं। ऑलराइट गाइस, देखिए मैं अब अपने पेड़ के अंदर घुस जाऊं और मेरा पेड़ मुझे ऊपर लेकर जा रहा है। गाइस ये कुछ कमाल की पावर है ना। खैर अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंटल है, सोचिए तीन चार होंगे तो क्या ही होगा। ऑलराइट गाइस, मैं फाइनली फायर गॉड के पास आ चुका हूं और सामने इसके दोनों, एक मिनट उधर कौन है? ये ले तेरे तो, हल तो पिटेगा बहुत बुरी तरह से, नालायक हो गया तू। अरे हल्क का छोड़ दे, अब मैं तुझे बर्गर नहीं खिलाऊंगा। नहीं, हल्क को बर्गर चाहिए। अरे बाप रे गाइस, वो दोनों लड़ रहे हैं, चलो जल्दी से दोनों एलिमेंट ले दे। इस बार फ्रैंकलिन मैं होने नहीं दूंगा ऐसा, पहले तू ऐसी लेके गया था एलिमेंट अलग। रुक तुझे बताता हूं बेटे, एक एलिमेंट मैंने ले लिया है। टोनी नहीं यार, एक मेरा एक तेरा, चलो जल्दी चलते हैं। ये 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 ये, अरे 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 अरे, नो
मेरे एलिमेंटल एग छीन लिए। बेचारा फायर गॉड तो रोने लग गया। खैर जल्दी जाता हूँ। अरे टोनी रुक जा, वो एलिमेंटल एग मुझे दे दे भाई। अरे मैं तुमको छोड़ूंगा ना इंसानो। अरे अच्छा इतनी हिम्मत है तो यहाँ पे रोक के दिखा। ये फोड़ा मैंने अपना अंडा। ओ भाई साहब, मैं तो यहाँ पर जायंट फायर गॉड एलिमेंटल का आयरन मैन का सूट ले लिया। ओए ये ले फ्रैंकलिन, ये ले। अरे ये कहाँ से आया, तूने मुझे पेड़ में बंद किया, हट यहाँ से। ये ले, मैंने सारे पेड़ तोड़ फोड़ दिए जैसे तू ये फोड़ रहा हूँ। अरे नहीं गाइस, ये क्या, ये स्पाइडरमैन टाइम का। बहुत बढ़िया बच्चे स्पाइडरमैन, यार अंडा तू ले ले। बिल्कुल टोनी सर, मैं इसको नहीं लेता हूँ। नहीं गाइस, ये क्या, स्पाइडरमैन को तो लावा एंड आइस एलिमेंटल का सूट मिल गया और साथ साथ में भाई आयरन मैन को देखिए फायर एलिमेंटल का सूट मिल गया। बहुत मजा आ गया, चलो चलते हैं ऑल फादर गॉड के पास। ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ, मैं इनसे इनके एलिमेंटल छीन के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी जाऊंगा वहीं पर जहां ये जा रहे हैं और इनसे पहले किसी और गॉड के एलिमेंटल छीनूंगा। अरे वो टोनी सर, ये ऑल फादर गॉड तो बहुत बड़ा है, माना गया है दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एलिमेंटल किसी का है। भाई साहब, 1 2 3 4 5 पूरे 5 हेडेड है ये तो। कुछ भी हो जाए गाइस, मैं तो इस ऑल फादर एलिमेंटल एग को लेकर ही रहूंगा। लेकिन है, ओ माय गॉड, इसके एकदम सेंटर वाले हेड के टॉप पर रखा है ये। चलो मैं तो उड़कर जाता हूं आराम से, मेरे पास तो फायर की ताकतें हैं। ओ माय गॉड, ये रही मेरी फायर लेजर ऑल फादर गॉड, पहले मैं तेरे पैर तोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो इंसानो, तुमने इतनी ज्यादा हिम्मत कब से आ गई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे टोनी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे जाऊंगा, मैं हूं स्पाइडरमैन ऑल फादर आइस एंड अलावा एलिमेंटल। हल्क जाएगा, हल्क इसको फोड़ेगा। अबे हल्क, तू इसको नीचे से गिरा, ऊपर से मैं एलिमेंटल छीनता हूं। नहीं, इस बार हल्क अपने लिए काम करेगा, हल्क सारे एलिमेंटल खुद ले लेगा। अरे बाप रे, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। रुको मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अभी तुम सबको उल्टा लटकाता हूं और तुम्हारी जितनी एलिमेंटल ताकतें हैं उनको भी छीनता हूं। अरे बाप रे, नहीं। अरे हल्क भी गिर गया। अरे बाप रे, मेरा एलिमेंटल एग किसने छीन लिया। अरे मेरा भी एलिमेंटल एग नीचे पड़ गया। अरे मेरे को मेरा एलिमेंटल ले लेते ऑल फादर गॉड, फिर वापस नहीं आऊंगा, वादा करता हूं। वाह गाइस, यही सही मौका होगा, यहां पर सारे एवेंजर्स हार चुके हैं और अब समय आ गया मेरा। अगर मैं किसी तरह से इस ऑल फादर गॉड को अपने पेड़ के जाल में कैद कर दूं तो क्या होगा गाइस, जिस तरह से मैंने स्पाइडरमैन को किया था। खैर ट्राई करके देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैं यहां पर पूरा कंसंट्रेशन लगा रहा हूं, आप प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना, जिससे कि यहां पर मेरे जितने भी पेड़ हैं वो मेरी मदद करके। और नहीं, ये क्या, मेरे पैरों में इतने ज्यादा कांटे कहां से आ गए। देखा गाइस, मेरे पेड़ उसको कांटे लग रहे हैं लिटरली में। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यार एलिमेंटल इंसान, रुक तुझे बताता हूं। बहुत हो गया, अब समय आ गया यहां पर इसको नीचे गिराने का। ये रे, और नहीं, ये क्या कर दिया। देखा गाइस, उसके पैर मैंने इतने कमजोर कर दिए कि ऑल फादर गॉड नीचे गिर गया। लेकिन यार इसका एलिमेंटल है, ये रहा गाइस, ये रहा, स्टेडियम के पास रखा है। ऑलराइट दोस्तों, चलो जल्दी जाते हैं और जल्दी से इस एलिमेंटल को लेते हैं। अरे नहीं फ्रैंकलिन यार। ओके दोस्तों, एक तो मेरे पास ये रहा, एक मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने पहन रखा है, और दो ये रहे। अरे बाप रे, वो एलिमेंटल मेरे को देते हैं, फ्रैंकलिन तो गलत कर रहा है। ओके दोस्तों, अब हमारे पास टोटल 4 एलिमेंटल है, ये फोड़ा, ये फोड़ा, ये फोड़ा और ये भी फोड़ा। ओके लेट्स गो गाइस, देखिए मेरे पास फायर एलिमेंटल, अर्थ एलिमेंटल, सन एलिमेंटल एंड ऑल फादर गॉड एलिमेंटल के 4 एलिमेंटल एक मिलाकर 4 हेडेड बन गया। अरे बाप रे, हल्क तो नो भैया, फ्रैंकलिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझसे ही बड़ा एलिमेंटल गॉड बनूंगा। बाकी गाइस, आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।